हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, वन प्लस 13 स्मार्टफोन काफ़ी जल्द चाइना पे लॉन्च होने वाला है और इस स्मार्टफोन के रेंडर्स के साथ साथ इसकी हैंड्स ऑन इमेजेस भी बाहर आ चुकी है। और वन प्लस 13 स्मार्टफोन का डिज़ाइन फ्रेंड्स डेफिनेटली काफ़ी आपको कूल देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन के बारे में आगे बात करेंगे, बट आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स वन प्लस 13 स्मार्टफोन के डिज़ाइन के साथ साथ स्मार्टफोन के कन्फर्म फीचर्स के अलावा इसकी इंडियन प्राइसिंग और लॉन्च पर बात करेंगे। बट वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सबसे पहले दोस्तों डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पर बात करते हैं। वन प्लस 13 स्मार्टफोन का डिजाइन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस लुक एंड डिजाइन के साथ यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन के आपको 2 से 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक कलर ऑप्शन स्मार्टफोन का रेंडर्स के अकॉर्डिंग टीज हो गया है और यहां पर आपको अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहां पर आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाएगा और यह स्मार्टफोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोडक्शन के साथ आने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको काफी सॉलिड देखने को मिल जाएगी और यहां पर आपको इस बार IP69 रेटिंग भी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो वन प्लस 13 स्मार्टफोन में गाइज आपको BOE का लेटेस्ट X2 OLED पैनल देखने को मिलेगा और यहां पर आपको 6.82 स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा जो कि 2K रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है। और इसमें आपको 10 bit कलर्स HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा और यहां पर Dolby Vision का सपोर्ट भी रहने वाला है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी डेफिनेटली आपको टॉप नोज देखने को मिल जाएगी और स्मार्टफोन में गाइज आपको LTPO टेक्नोलॉजी के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगी। तो यहां पर रिफ्रेश रेट टास्क के अकॉर्डिंग 1Hz से 120Hz पर स्विच होने वाली है। और स्मार्टफोन में फ्रेंड्स आपको अप टू 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अभी तक कंफर्म नहीं है बट काफी जल्द यह भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो वन प्लस 13 स्मार्टफोन में गाइज आपको परफॉर्मेंस क्रेजी देखने को मिलने वाली है बिकॉज यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 चिपसेट देखने को मिलेगा और यह चिपसेट लिटरली काफी पावरफुल होने वाला है बिकॉज इसके अंतु स्कोर्स की बात करें तो 3.1 मिलियन से ऊपर देखने को मिलते हैं। और इसे आप प्रीवियस जनरेशन 8 Gen 3 से कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको 1 मिलियन का जंप देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी बढ़िया यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। और यह स्मार्टफोन में आपको LPDDR5X रैम UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और यह स्मार्टफोन में आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट रहने वाला है। और इस स्मार्टफोन में आपको 5 साल के मेजर OS अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करें तो वन प्लस 13 स्मार्टफोन में कैमरा सेटअप भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है बिकॉज मेन कैमरा यहां पर आपको 50 megapixel का मिलेगा जहां पर सोनी का LYT808 फ्लेक्सिव सेंसर दिया गया है और कैमरा क्वालिटी आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाएगी। बाकी यहां पर सेकेंडरी 50 megapixel का LYT600 सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है और यह टेलीफोटो लेंस रहेगा जहां पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलेगा और 120x पेरिस्कोप जूम का सपोर्ट भी मिलने वाला है। और स्मार्टफोन में आपको थर्ड सेंसर भी 50 megapixel का मिलेगा बट यहां पर सैमसंग का Gen 5 सेंसर रहेगा और यह अल्ट्रावाइड सेंसर होने वाला है। तो कैमरा क्वालिटी यहां पर भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बाकी स्मार्टफोन में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो यहां पर 32 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर रहने वाला है और इसके फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60fps वीडियो शूट कर पाओगे। बैटरी डिपार्टमेंट भी यहां पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है बिकॉज यहां पर भी अच्छा खासा अपग्रेड किया गया है। स्मार्टफोन में आपको 6400mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी और ये काफी बड़ा नंबर है गाइज। यहां पर प्रोसेसर भी काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट यूज किया जाएगा तो बैटरी बैकअप स्मार्टफोन में आपको हेवी यूजेस के साथ भी एक दिन का इजीली देखने को मिलने वाला है। साथ में स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको 100 वोल्ट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर इस बार आपको USB जनरेशन 3.2 पोर्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली काफी बढ़िया बात है और स्मार्टफोन में आपको 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। ओवरऑल गाइज वन प्लस 13 वन प्लस का फ्लेक्सिव स्मार्टफोन होने वाला है नेक्स्ट ईयर का। तो डेफिनेटली यहां पर आपको फीचर्स भी भर भर के देखने को मिलेंगे और ये स्मार्टफोन में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज आई गेस देखने को नहीं मिलेगा। सो नो डाउट ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया वैल्यू लेकर आने वाला है। वैसे प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन चाइना पे आपको ऑलमोस्ट 60,000 rupees का देखने को मिलेगा लेकिन इंडिया पे स्मार्टफोन की प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन मेरे अकॉर्डिंग इंडिया पे आपको 70,000 से 75,000 rupees तक देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो वन प्लस 13 स्मार्टफोन गाइज इस मंथ के एंड से पहले चाइना पे लॉन्च हो जाएगा लेकिन इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन की लॉन्चिंग में आपको 1 से 2 मंथ का डिले देखने को मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर जनवरी मंथ तक देखने को मिलेगा। सो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वन प्लस 13 स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना।